मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि 8 दिन में आप इस पर संज्ञान में लें, जनता की भावनाओं को समझें, नहीं तो हम आके काम रुकवाएंगे और तालाबंदी करेंगे। क्योंकि हमने घोषणा की थी वो आज हमने किया और शांतिपूर्ण तरीके से किया, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि कानून हाथ में लिया जाए। फिर भी हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं, मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हैं कि ये लड़ाई अंत तक चलेगी। पहला हमारा आज का कार्यक्रम है, 8 दिन लगातार मैं इंदौर शहर के नागरिकों से, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस पार्टी के हमारे परिवारजनों से और आम जनता जो इंदौर शहर की है, जो ये चाहती है कि ये तालाब बचना चाहिए, उनसे विनम्र में प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि दलगत जीतू पटवारी कांग्रेस का है, जनप्रतिनिधि है, जनता का है। कांग्रेस आड़े नहीं आएगी, कांग्रेस दूर रहेगी पर जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ रहेगी। मैं आप लोगों से सबसे आह्वान करता हूं कि तालाब बचाना है, कल से आंदोलन का नया रूप सकारात्मक हम देना चाहते हैं। आम रहवासी और आम जनता के, मीडिया जगत के, सारे अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हम कल से यहां राहगिरी चालू करेंगे, सुबह 6:30 से 8:30। 8 दिन लगातार ये राहगिरी का कार्यक्रम होगा, चाहे कितना भी पानी गिरे, चाहे कितनी भी बरसात आए, चाहे कितनी धूप ठंड कुछ भी हो, पर मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर तालाब बचाना है, पर्यावरण बचाना है, दिलीप बिल्ड काम को जो मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में काम करते हैं उनका हठधर्मिता को तोड़ना है। आप यहाँ आके इंदौर शहर की जनता देखें कि बड़े बड़े पहाड़ बना दिए गए 8 दिन में, इतने बड़े स्केल पे काम चालू किया गया, जिस दिन कोर्ट का आदेश आया उसी दिन आदेश के पहले इनको वर्क आर्डर जारी कर दिया गया, जिस तरह की प्रक्रिया निभाई गई उससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, पर्यावरण बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। अगले 8 दिन तक हम राहगिरी बनकर यहां के लोगों को जागरूक करेंगे और कंटिन्यू तालाब के आसपास घूमते फिरते तालाब बचाओ की एक अभियान चलाएंगे और लगातार इस तालाब के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमारा